कोरोना से जंग सकारात्मक कदम के संग। नमस्कार मित्रों, आजनी पड़कारजनक परिस्थितिनो सामनो करवा पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क साथे देश विदेशना खूणे खूणे थी लोको जोड़ाई रहा छे। सकारात्मकतानो सेतु बांधीने सफलताना शिखर उपर पहोंचवानो आ एक नम्र प्रयास छे। आपनी दोस्त दीपा देसाई आपना संदेशानी प्रतीक्षा करी रही छे। पॉजिटिव न्यूज नेटवर्कनी प्रस्तुतिमां आभारनी लागणी साथे અમે રજૂ કરીએ છીએ અમને મળેલા સંદેશાઓ। નમસ્કાર મિત્રો, પોઝિટિવ ન્યૂઝ નેટવર્કની સકારાત્મક શ્રેણી કોરોના સે જંગ સકારાત્મક કદમો કે સંગ અંતર્ગત વિવિધ ક્ષેત્રના નામાંકિત મહાનુભાવોના પ્રતિભાવો મળી રહ્યા છે। હાલની પરિસ્થિતિમાં હકારાત્મક વલણ સાથે કેવી રીતે સમય પસાર કરી શકાય આ અંગેનો સંદેશો આપી રહ્યા છે મુંબઈની ખ્યાતનામ સ્કૂલના શિક્ષિકા અર્પિતા અગરકર। નમસ્કાર, મેં અર્પિતા અગરકર, મેં મુંબઈમાં એક સ્કૂલમાં 11th-12th કે બચ્ચોં કો ફિઝિક્સ યાનિ ભૌતિકી પઢાતી હું। જો અભી કી પરિસ્થિતિ હૈ વો કૈસી પરિસ્થિતિ હૈ જિસમે કી કુછ બીમારી કે કારણ હમ લોગો ઘર કે અંદર રહેના રહેને કી બાધ્યતા હૈ, लेकिन उस बाध्यता में हमें बोरियत ना हो, निठल्लापन ना आए, निगेटिविटी ना बढ़े, इसके लिए हमने कुछ चीज़ें तो हमारे प्रोफेशन ने हमारे लिए कर दी हैं, कुछ चीज़ें हमने अपने आप के लिए कर ली हैं। मेरे प्रोफेशन ने कर दी है से मेरा तात्पर्य है कि स्कूलों में हमको बोला गया है कि आपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है, तो सबसे बड़ी व्यस्तता की वजह तो वही है कि अब हम पढ़ाने में लग गए हैं और अब ये रेगुलर क्लासरूम टीचिंग नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस है। इसलिए इस पढ़ाने की जो बात है उसमें भी हम काफ़ी चीज़ें नए सिरे से सीख रहे हैं। किस तरह से ऑनलाइन क्लासरूम की जाती है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे उनके सॉल्यूशन ढूंढे जाते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा लर्निंग है ही हमारे लिए, यानी पढ़ाते पढ़ाते सीखने का एक मौका। फिर इसके अलावा चूँकि मेरे पास थोड़ा टाइम था ये लॉकडाउन के दौरान, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लिया जाए जिसके द्वारा हमें भी कुछ सीखने को मिले। तो एक एज ए टीचर भी हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मैंने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया है। तो ये दूसरी चीज़ है जो मैंने अपने आप को गतिशील बनाने के लिए की है। फिर एक सामाजिक दायित्व होता है हमारा कि हम अगर किसी के लिए कुछ कर सकें जो ज़रूरतमंद है, तो उस दिशा में भी कुछ प्रयत्न मेरे जारी हैं ताकि किसी को, ज़रूरतमंद को हमारी तरफ से कोई सहायता हो सके, कभी आर्थिक रूप से तो कभी खाना देकर या खाने के पैकेट्स देकर इस तरह से। फिर तीसरी चीज़ जो है, कई बार हम व्यस्तता के कारण कई चीज़ें जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते। मुझे हमेशा लगता है कि बहुत सारी भारतीय भाषाओं में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हमने एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए उसका अनुवाद करके। तो पिछले दिनों मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें एक बहुत समसामयिक, बहुत सुंदर मराठी प्रार्थना है जो अभी की परिस्थिति के लिए शब्दशः सही है। उसका हिंदी में भावार्थ लिखा और उसको मेरी एक बहुत अच्छी सहेली से गवा के लिया और लोगों के साथ शेयर किया कि लोग ये प्रार्थना रोज करें। श्री राम जी की प्रार्थना जो श्री रामनवमी से लेके हनुमान जयंती तक वो बोलें, ऐसा उसमें मैंने अनुरोध किया। यानी ये भी एक नई चीज़ मैंने की। अब इसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी लगी, वो भी क्या मैं बताना चाहूँगी। इस भय की परिस्थिति में हम अपने आप को खुश रखना सीख रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बहुत सपोर्टिव लगी, बहुत अच्छी लगी, वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये कि अब हम अपनी संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं, पाश्चात्य चीज़ों का अंधानुकरण करने की बजाय। जैसे हमने कल दिया लगाना हमारी संस्कृति है, और शुभम करोति कल्याणम का जो श्लोक बोलने के लिए कहा गया था, वो श्लोक तो हमने मेरे बचपन से सुना हुआ है कि हमारे घर में जब भी शाम को दिया लगाते हैं तो वो श्लोक बोला ही जाता है। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति हो गई थी हर घर में लगभग कि जो दिया लगा रहा है भगवान के पास वही ये श्लोक बोलता था, बाकी लोग उस वक्त अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं उसी में लगे रहते थे, वो फालतू सीरियल लगते थे, गाने जोर जोर से बजते थे घर में। यानी बाकी लोग उस समय के महत्व को नहीं समझते थे, ना उस दिए लगाने के महत्व को। लेकिन कल वाली बात ने हमको वापस
लौटा दिया कि हाँ उस चीज़ का महत्व है। जो आसपास मृत्यु का और रोग का भय है, उसके कारण एक और अच्छी चीज़ अब ये हो रही है कि जब भी घर में हम प्रार्थना करते हैं या आरती करते हैं तो घर के बाकी लोग अपने आप ही खुद समझदारी से बाकी सारी चीज़ें बंद करके साथ में प्रार्थना करने के लिए आ जाते हैं। तो ये जो है ये साथ मिलजुल के कुछ करने की शक्ति है जो हम कर रहे हैं। हमने फालतू में गले मिलने की आदतें छोड़ के नमस्कार करना चालू कर दिया है। घर भर में अब बाहर से आई हुई चप्पल कोई पहन के नहीं घूम रहा है। सबके घरों में ये नियम हो गया है कि आते से ही नहाना है। यानी एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे ज़िंदगी में हमने सीख ली है जो मुझे बहुत पॉजिटिव लगती है। तो ऐसी अच्छी चीज़ें सोच के हमारे अंदर बहुत गतिशीलता पैदा होती है। बाइयों के एब्सेंस के कारण घर भी बहुत साफ़ हो रहे हैं, बहुत अच्छा, बर्तन भी बहुत अच्छे धुल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं और मैं समझती हूँ कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और अंत में मेरी पसंद का गाना, तो वो गाना है ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। मित्रों, अमारी श्रेणी कोरोना से जंग सकारात्मक कदमों के संग अंतर्गत आपना अनेक पॉजिटिव संदेशाओं अमने मळी रहा छे, जे समय समय ना अंतरे अमे आपनी समक्ष रजू करता रहीशू। आपना पॉजिटिव प्रतिभावो आजे पड़कारजनक परिस्थिति में पथदर्शक बनीने प्रकाश पाथरी रहा छे, जेने माटे पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क अने आपनी दोस्त दीपा देसाई सदाय आपनी ऋणी बनीने रहेशे।